हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जे आर कॉलेज यूट्यूब चैनल इज ए पार्ट ऑफ जे आर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। एंड स्पेशली आप लोगों को एक बात पता होगा कि ये चैनल हमने क्यों बनाया है, ताकि हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस यहां पे आपको दे सके। अब कॉमर्स के बच्चे एक सबसे ज्यादा चीज का डिमांड कर रहे थे, वो था 12th स्टैंडर्ड का बीके का सब्जेक्ट, यानी लेक्चर वीडियो ऑफ बीके सब्जेक्ट। ऑलरेडी गौरव सर आपको पढ़ाते हैं एसपीएन ओसीएम, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ा रहे श्रेया मैम, एंड फाइनली बीके भी आज से आपको मिलने जा रहा है, जो कि पढ़ाने वाले हैं सूरज दुबे सर। तो सबसे पहले वेलकम सर, जेआर फैमिली में आपका स्वागत है। और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है सर, बहुत ही ज्यादा कंसेप्ट नॉलेज जो है इनका बहुत क्लियर है बीके सब्जेक्ट में। तो मुझे लगता है अगर आप इनसे बीके सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत ज्यादा मजा आपको आने वाला है, ठीक है। तो अभी अपना सूरज सर जो है अभी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, मैं यहां से अभी जा रहा हूं। और आप लोग को बस एक काम करना है, सभी अपने दोस्तों को, जितने भी आपके 12वीं में बीके पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेंगे या फिर 12वीं कॉमर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट रहेंगे, सभी को आपको इन्फॉर्म कर देना है कि यार जो चीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे ना बहुत दिनों से, आज वो पूरा होने वाला है, फाइनली बीके मिलने वाला है। तो अभी सर पढ़ाएंगे बीके सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, आप लोग रेडी रहना और अच्छी तरीके से सपोर्ट करना, प्यार देना और सभी दोस्तों को शेयर करके बता भी देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अभी मैं जाता हूं, अभी कंटिन्यू करेंगे सूरज सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन, कैसे आप लोग? सब अच्छे? आप लोग का बहुत डिमांड था, बहुत कमेंट था 12th का बीके का लेक्चर लेना है सर, इसलिए मैं आ गया हूँ वापस आपका बीके का लेक्चर लेने के लिए। 11th का कल लेक्चर हो चुका था, फर्स्ट चैप्टर कल इंट्रोड्यूस कर चुके थे, इंट्रोड्यूस ऑफ क्या होता है बीके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है। अगर जिसको अभी भी कॉमर्स नहीं पता कि कॉमर्स क्या होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, तो प्लीज पहले आप जाके वो वीडियो देख लो, वो वीडियो देख के अंडरस्टैंडिंग कर लो कि कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का यूजेस क्या है, बुक कीपिंग क्यों यूज करते हैं और अकाउंटेंसी क्यों यूज करते हैं। ये सब जितने भी नॉलेज थे, जितने भी टॉपिक्स हमने उस लेक्चर में कवर किया है 11th बीके में, तो आप लोग जिसको नहीं आ रहा है प्लीज जाके वो वीडियो को फटाफट देखो और लाइक एंड कमेंट करते रहो। चलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम है सूरज दुबे। As far as my qualification, I am a graduation pass and I am the topper at the BK account. I have 97 marks in BK subject in 12th standard. Okay? तो चलो, आप सभी को welcome, आप सभी लोग please अपने channel पे आ जाओ और हमारे video को दिल से like, subscribe, जरा comment करना अगर अच्छा लगे तो please। चलो, without time waste करके welcome to our JR College. Okay? आज 12th का first chapter introduction to partnership firm and partnership final account है, ठीक है? अब बेसिक समझो, 12th में जो भी आपका चैप्टर है वो है 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। और इस ये चैप्टर बच्चों इतना इजी है ना, इतना इजी कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप प्रॉपर वे से फर्स्ट लेक्चर से लेके एंडिंग तक लेक्चर देखते हो तो मैं आपको 100% श्योर बोलता हूं कि आपका अकाउंट में मैक्सिमम मार्क्स आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है वो रिटर्न आता है 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपका रहता है आपके कॉलेज वाले के पास इंटरनल मार्क्स। ओके, तो 80 में से आपको स्कोर करना है और अगर आप परफेक्ट करते हो तो 80 out of 75, 74 इजीली स्कोर कर जाओगे बीके में। और बीके चैप्टर ऐसे है ना बच्चों, थ्योरी नहीं है, रट्टा नहीं मारना है आपको, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ पर डे ना ओनली 2 सम करना है। कितना करना है? 2 सम करना है। जो मैं यहां कराऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? इतना अगर आप करते हो ना तो आई प्रॉमिस यू कि आप बीके में परफेक्ट लेवल पे खड़े रहोगे, ठीक है? आपको कोई डाउट आएगा नहीं। और जो आज हम पढ़ेंगे ना बीके में, जो हम पढ़ रहे हैं ना आज, वही सेम कॉमर्स पे भी आपको यूज हो जाएगा, क्योंकि वो सेम, बहुत सेम है। जो अभी बीके में हम पढ़ने वाले ना आज के इस वीडियो में, वही कॉमर्स के ओसी चैप्टर में भी है। तो प्लीज सभी लोग बुक निकाल लो और पेन निकाल लो और प्लीज राइट डाउन करना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैंने बहुत मुश्किल से निकाली है तो सब आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, ठीक है? ओके, चलो हम अपने चैप्टर पे आते हैं, अपने टॉपिक्स पे आते हैं और समझते हैं कि चीजें होती क्या है, ठीक है? तो सबसे पहला है 12th बीके लेक्चर नंबर 1। इंस्टा आईडी suraj_hh, अगर आपको कोई इश्यू होता है, कोई भी पर्सनल मैसेज आप इस पर करके पूछ सकते हैं। ओके, चलो अब फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ठीक है? अब जो ये फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, इसके बेसिक पे देखो 5 चैप्टर कवर होगा। कितना? 5। क्या बोल रहे हो सर, क्या ये ऑलमोस्ट? इस टॉपिक पे 5 चैप्टर कवर होगा। देखो, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड
डेट ऑफ पार्टनर्स थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स फोर्थ। ठीक है, अब ये जो फोर्थ आपने देखा ये फोर ये फाइव, ठीक है, और एक होता है इसमें डेथ रिटायरमेंट एडमिशन और डिसोल्यूशन और इंट्रोडक्शन। अब ये पांच चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं किसमें, पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, सर अब पार्टनरशिप फॉर्म तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पढ़ेंगे तो ही लिखेंगे ना सर। ना जरूर आप पढ़ेंगे तो ही लिखेंगे। ओके चलो, आप फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसमें हम देखेंगे कि पार्टनर्स कैसे अपना बिजनेस ग्रो करते हैं एंड अपनी इंट्रीज कैसे पोस्ट करते हैं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। सेकंड होता है एडमिशन, अगर हमारा बिजनेस चल रहा है उसमें कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है तो उसकी इंट्रीज कैसे करेंगे। सेकंड रिटायरमेंट, अगर कोई बिजनेस में पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, उसकी इंट्रीज कैसे करेंगे। ठीक है, देख अगर किसी पार्टनर का सपोर्ट डेथ हो गया उसके इंट्रीज कैसे करेंगे। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, जब बिजनेस बंद होता है डिसोल्यूशन होता है उसके इंट्रीज कैसे करेंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे। ठीक है, फिर क्या है एनपीओ, सेकंड चैप्टर एनपीओ पढ़ेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ वगैरह, जिसका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं, सर्विस देना एज अ सोशल वर्कर। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, कैसे बिल्स बनाते हैं, कैसे एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, फिर कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट में इश्यू शेयर्स डिबेंचर किस तरह इश्यू करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, छोटा सा चैप्टर है, एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है। ठीक है, फिर क्या है, कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ेंगे लास्ट का चैप्टर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके बीके में यही चैप्टर आने वाला है, ये 10 चैप्टर अपने को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलो ये तो आप देख लिए कि हमारे बीके में कौन कौन सा टॉपिक्स आने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स है। तो ठीक है, ये 10 चैप्टर है, इनको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फॉर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट कैसे पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, अब उसमें आज के चैप्टर में, आज के जो वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, मेन टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मीनिंग एंड पार्टनरशिप फॉर्म। देखेंगे कि क्या पार्टनरशिप फॉर्म होता है, उसके मीनिंग्स क्या, उसके डेफिनेशन क्या। ओके, सेकंड देखेंगे डेफिनेशन भी तो होता है ना, पार्टनरशिप फॉर्म को ऑथर्स क्या बोलते हैं, ऑथर क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, सेकंड देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डेट देखेंगे। ठीक है, फिर इसका प्रोविजन देखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। ओके चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आते हैं पहले तो बात, आप जब अकाउंट पढ़ते हैं ना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, रट्टा मारना नहीं है। और थर्ड जो मेन चीज है वो होती है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सम सॉल्व करेंगे ना, यू आर द जीनियस। ओके चलो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वन एग्जांपल। ठीक है चलो, अब मैं एक समझ लो, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, अब राम क्या करता था, ये राम था, ये हॉकर्स था, मतलब रोड पे दुकान लगाना। ठीक है, अब वो ठेला लेके हॉकर्स चलता था राम। ठीक है, और श्याम भी हॉकर्स था। ठीक है, अब ये दोनों ने मैंगो बेचते थे। ठीक है, ये दोनों बेचते थे मैंगो। ठीक है, अब राम भी मैंगो बेचता था और श्याम भी मैंगो बेचता था। अब एक दिन राम के ठेले पे मैंगो लेके गया, सामने से श्याम भी आया ठेले पे मैंगो लेके। अब दोनों मैंगो बेच रहे, और राम श्याम सपोज एक दोस्त थे, उन्होंने बचपन से साथ में पढ़ा था, अब उनका एक एक मिला हो गया। अरे राम तू क्या कर रहे, बस मैंगो बेच रहे। अरे श्याम तू भी मैंगो बेच रहे, हाँ हम दोनों मैंगो बेच रहे। ठीक है, अब वो दोनों क्या सोचते, वहां क्या बोलते, देखो बोलते राम तू भी ठेले मैंगो बेच रहे, मैं भी मैंगो बेच रहा हूं, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक करे, कुछ बड़ा करे, कहीं शॉप ले, कुछ अच्छा करे, इससे अच्छा हो जाए। क्या हुआ समझे बच्चे, अभी राम और श्याम एक साथ आ गए तो ये क्या हो गए, ये पार्टनर्स हो गए, पार्टनरशिप हो गए। राम भी आ गया और श्याम भी आ गया। अब राम ने मैंगो लाया, श्याम ने भी लाया, अब लोग ने वन एक शॉप खोल दिया। ठीक है, अब उस शॉप का नाम रखा ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड इंटरप्राइजेस। ओके, ए टू जेड इंटरप्राइजेस। अब समझो, ये जो राम और श्याम है वो तो पार्टनर थे, ये राम और श्याम क्या है, पार्टनर से, इंडिविजुअल पार्टनर से, बट ये जो ए टू जेड इंटरप्राइजेस है ये पार्टनरशिप है। समझे बच्चों, जो यहाँ पे राम श्याम है ना वो इंडिविजुअल पार्टनर से, बट जो उनके बिजनेस का नाम है ना ए टू जेड इंटरप्राइजेस, ये हो गया पार्टनरशिप फर्म।
ठीक है, ये आपको समझ गया ना कि पार्टनर्स किसको बोलते हैं और पार्टनरशिप फर्म किसको बोलते हैं। पार्टनर्स उनको बोलते हैं जो बिजनेस कर रहा है, जैसे कि राम और श्याम, ये हो गए पार्टनर्स, और उनका जो कंपनी का नाम है, जो इंटरप्राइजेस का नाम है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ओके चलो डन। अब हमारा मीनिंग क्या बोलता है हमारा, सुनो हाँ एकदम ध्यान से, अगर किसी बच्चे ने बुक और पेन नहीं लिया प्लीज बुक और पेन निकाल लो और प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल है, ये बीके में भी यूजफुल है और आपको जाके ओसी में भी यूजफुल है, और आगे भी अगर आप कुछ कक्षा करते हो ना सीए सीएस वगैरह, तो ये प्लीज आपको बहुत हेल्प करेगा, तो प्लीज ये नोट डाउन कर लो मेरे लिए। चलो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन कमिंग टूगेदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ फर्म। क्या बोलता है मीनिंग, कि पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पे दो से ज्यादा मेंबर साथ में आके बिजनेस करते हैं और अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करते हैं। सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राम श्याम आए दोनों मिलके, उन्होंने एक बड़ा बिजनेस ओपन किया, अब बिजनेस में प्रॉफिट होएंगे लॉस होएंगे, जो भी नोटिस लेना पड़ेगा डिसीजन लेना पड़ेगा तो कौन लेगा, वो दोनों पार्टनर्स मिलके लेंगे और पार्टनर्स रन करेंगे, एडमोस्ट प्रॉफिट हुआ दोनों आपस में बांट लेंगे, दोनों कैपिटल आपस में शेयर कर देंगे। आप लोग समझ गए क्या होता है पार्टनरशिप, जहां दो से ज्यादा व्यक्ति आके एक बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस। सपोज अंडरस्टैंड, ओके थैंक यू। चलो फॉर अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑथर क्या बोलते हैं। अब मैं और आपके बोलने से तो होने वाला नहीं, अब ऑथर होते हैं जो डेफिनेशन लिखते हैं, तो ऑथर का बोलना क्या, ऑथर का कहना क्या है देखते हैं। डेफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस द पार्टनरशिप एज इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय अर्न सिंग एनी वन ऑफ देम एक्टिविटी फॉर ऑल। ओके, इसमें रिलेशन वो लव वाला रिलेशन नहीं, इसमें कस्टमर और बायर का रिलेशन है। ओके चलो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है एक बात और बता दू, जब आप पढ़ते हैं ना तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये इसको आप याद रखो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में फिलिंग द ब्लैंक्स में 101% पूछा जाता है, या तो कॉमर्स में या तो बीके में, तो ये आपको याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। ओके चलो, अब वो डेफिनेशन ऑथर क्या बोलते हैं, इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय और ऑल एनी वन ऑफ देम एक्टिविटी फॉर ऑल। रिलेशन लव का रिलेशन नहीं, कस्टमर और बायर का रिलेशन है, जहां दो आदमी मिलके डिसीजन लेते हैं कि किस तरह बिजनेस स्टार्ट करना है और एक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ाना है, और प्रॉफिट्स और लॉसेस आपस में वो शेयरिंग करते हैं। ओके, ऑथर का कहना यही है कि जहां दो से ज्यादा चार लोग आके बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपना प्रॉफिट एंड शेयर कंट्रीब्यूट करते और एक्टिविटी को परफेक्ट रन करते हैं। ठीक है, ओके चलो, डेफिनेशन समझ गए आपको ऑथर क्या बोलते हैं। चलो बाय, अब देखेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये मैं आपको 101% बोलता हूं, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, ओसी में तो 101% पूछा जाएगा, और अगर आप बीके पढ़ रहे आपको 5 चैप्टर में अच्छे स्कोरिंग करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, इज द मेन। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, आपको अभी इधर अपना दिमाग लगा देना, जितना है पूरा लगा देना, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए बीके का जो 5 चैप्टर है ना स्टार्टिंग का, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स वगैरह बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते सर क्या है, आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ ठीक है, चलो अभी देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म मतलब अब कुछ बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, सपोज मैं एक राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब राम श्याम बिजनेस स्टार्ट किए तो ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा ना, अब राम श्याम आपस में मिलेंगे बातें करेंगे कि भाई हमारा रूल्स रेगुलेशन कैसा रहेगा, हमारा एग्रीमेंट कैसा होएगा, हम बिजनेस कैसा करेंगे, ठीक है, तो ये सब उन आपस में वो एक कम्युनिकेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करने के बाद वो नोट डाउन करेंगे, उसके बाद वो बिजनेस को रन करना चालू करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो फीचर्स आता है ना वो होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या होता है, अब सपोज राम और श्याम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो राम श्याम क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे, और एग्रीमेंट का दो टाइप होता है, देखो एग्रीमेंट का दो टाइप होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, एग्रीमेंट का दो टाइप होता है, ओके, एक होता है ओरल, एक होता है रिटेन। अब ओरल क्या होता है सर, ओरल मतलब क्या, राम श्याम एक साथ में आए, मुंह से बात किए, राम बिजनेस स्टार्ट करना है, श्याम बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं 50,000 दी आप 50,000 दे दो,
हम बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ये शॉप ले लेंगे, ये दुकान का ये नाम डाल देंगे एंड हम बिजनेस रनिंग करेंगे। वो ना ओरल में बोल दिया, वो ओरल ही हो गया। और रिटर्न क्या होता है, जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते, एक पेपर पर रिटर्न करते, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल डिसीजन, प्रॉफिट बिजनेस के क्या रेगुलेशन होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन होएगा तो क्या होएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होएंगे, इंटरेस्ट क्या होएगा, कैपिटल पे, ड्रॉइंग पे, ये सब ऑल द इंफॉर्मेशन आता मेंशन इन द डॉक्यूमेंट, इस कॉल्ड अ रिटन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट टू टाइप्स होता है, और एग्रीमेंट बहुत मतलब अपने बाहर तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन करो या मत करो, बट इन ओवर महाराष्ट्र इज अ कंपल्सरी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना ही है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना इज अ कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। चलो एग्रीमेंट समझ गया। एग्रीमेंट क्या होता है, एक कंटेंट बनाना होता है, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बिजनेस के पुट आउट करना रहता है, मेंशन करना रहता है, ठीक है। ओरल मतलब मुझसे बोल दिया, चालू कर दिया ओरली, रिटर्न मतलब लिख दिया बुक के अंदर, नोट आउट कर लिया, मेंशन कर दिया, कॉल रिटर्न, ओके। चलो अब सेकंड क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, अब नंबर ऑफ पर्सन होता है, ठीक है। सेकंड नंबर ऑफ पर्सन, अब समझो नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है, अब ये बिजनेस कैसे कितने लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मिनिमम टू और मैक्सिमम 50, ये हो गया मिनिमम टू और मैक्सिमम 50। देखो टू हो गया मिनिमम, ओके, और मैक्सिमम हो गया 50। ये भी आपको पूछा जाता है इन द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मिनिमम मेंबर्स कितने लोग बिजनेस कर सकते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो मिनिमम टू और मैक्सिमम 50 लोग ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन हो गया, एंड थर्ड है लॉफुल बिजनेस। अब बिजनेस आप कर रहे हैं अपने स्टेट में कर रहे हैं तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, किस तरह बिजनेस करना है, किस तरह नहीं करना है, किस तरह डॉक्यूमेंट क्या होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट आपका परफेक्ट रहेगा तो आपको लाइफ में बिजनेस में कभी इशू होगी नहीं। वन एग्जाम्पल जैसे कि हीरो होंडा थी, पहले क्या थी, जो हीरो होंडा साथ में काम करते थे, हीरो होंडा की एक ही बाइक आती थी, वो लोग दोनों ब्रदर्स थे, साथ में बिजनेस चल रहा था, बाद में बिजनेस ब्रेक हो गया, रिटायरमेंट हो गए, हीरो ने अपना अलग कर दिया, होंडा ने अपना अलग कर दिया, तो क्या कर दिया, तो उसमें एक लॉफुल बिजनेस बनता है जिसमें सारे मेंशन रहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, बिजनेस के आगे का रेगुलेशन क्या है। एक लॉफुल बिजनेस मतलब एक लीगल बिजनेस करना है, अनलीगल नहीं करना है, लीगल, जो जिसको गवर्नमेंट आपको बोलते ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है कि इस, अभी आप बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है गलत, तो वो नहीं कर सकते, जो बिजनेस लीगल रहेगा वही आप लॉफुल बिजनेस में कर सकते, ओके, डन। चलो अब क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब राम श्याम बिजनेस चालू कर दिए तो उनका मेन मोटिव क्या होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो हम किस तरीके से प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट को बांटेंगे, ठीक है। इनका यही रहेगा ना मेन, तो यही एम्स रहेगा कि हम किस तरह, अब समझो राम ने 50,000 दिया और श्याम ने 30,000 दिया, अब श्याम ने 50,000 दिया मगर राम ने 30,000 दिया, अगर प्रॉफिट लाख रुपए का होता है तो क्या वो लोग इक्वल में करेंगे क्या, आप बताओ, आपको सोचो करेंगे क्या इक्वल में, क्योंकि राम ने ज्यादा पैसा दिया भाई, 50,000 दिया है, और श्याम ने कितना दिया, 30,000 दिया है, तो इसमें क्या होगा, एक रेशो बनता है, रेशो में 70% राम ले लेंगे और 30% श्याम ले लेंगे क्योंकि उन्होंने कम अमाउंट दिया है, तो उस तरह का एक रेशो ना हमारे एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है कि किस रेशो के आप और हम पैसे को डिवाइडेशन करेंगे, ओके। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी सर बोलेंगे सर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों, क्या होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इस ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है अपने बिजनेस में। अब बोलेंगे सर डिसएडवांटेज क्यों, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये डिसएडवांटेजेस क्यों है अपने बिजनेस में। इसका मतलब क्या होता है, सपोज टू पार्टनर राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब राम श्याम का बिजनेस चला अच्छा चला, बाद में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जब ब्रेक हुआ ना तो असेट्स जो था ना हमारे ए टू जेड इंटरप्राइजेस जो राम श्याम की कंपनी थी, उनका असेट्स कितना था पता है आपको, असेट्स था उनका सपोज 1000 का, ठीक है, और उनकी लायबिलिटी कितना थी, 2000 की थी, समझ रहे। जब बिजनेस बंद हुआ तो असेट्स थे हमारे 1000 रुपए के और लायबिलिटी कितने थे उनके ऊपर, 2000 के थे। अब यहां पे सोचो असेट्स और लायबिलिटी हो गया, अब सुनो
जब पार्टनर्स बिजनेस कर रहे और पार्टनर्स में सबसे बड़ा डिसोनेस्टी यही है कि अगर आपका असेट्स कम है आपकी लायबिलिटी से, तो आपको लायबिलिटी को पेड करना है। चाहे भले से आप अपना पर्सनल असेट्स भेज दो, अपना घर भेज दो, अपना गाड़ी भेज दो, अपना कपड़े भेज दो, आप सब भेज दो, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं, बट बिजनेस को आपका लायबिलिटी चाहिए, मतलब चाहिए। अब समझ लो मेरे पास बिजनेस में पैसा नहीं बचा है, बट मुझे लायबिलिटीज को पेड करना है, चाहे मैं अपने घर की गाड़ी बेचूं, अपने गोल्स बेचूं, कुछ भी बेच के लाके मुझे बिजनेस का लायबिलिटी पूरा ही करना है। पार्टनर्स में यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, चलो अब इसमें मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पार्टनर्स लायबिलिटीज को पेड करते। टू टाइप्स ऑफ होता है, एक होता है जॉइंट, एक होता है सेवरल। ठीक है, तो जॉइंट और सेवरल बहुत से बच्चों को नहीं मालूम है, आज भी अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं मालूम है, बट मैं आप चाहता हूं कि आपको वो चीजें पता हो, तो मैं आपको बताता हूं कि जॉइंट और सेवरल क्या होता है। ठीक है, अब जॉइंट समझते हैं हम, चलो जॉइंट समझते हैं। जॉइंट, ठीक है, अब राम थे, यहां पे राम थे, ठीक है, अब भाई श्याम भी थे अपने बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस का असेट्स था हमारा 1000 का, लायबिलिटी था हमारा 2000 का, बरोबर। पहले जॉइंट का देखते कैसा होता है। ठीक है, अब जॉइंट है, जब असेट्स क्या हो गया, कम है अपने लायबिलिटी से, बट लायबिलिटी तो पे करना है। अब जो ये 1000 रुपए का डिफरेंस है वो कौन देगा? अब अकेला राम तो देगा नहीं, ना श्याम अकेला देगा, तो क्या होगा, इनके ऊपर कंट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आधा कौन देगा, राम देगा समझ लो 500 और श्याम देगा 500, हो गया 1000, लायबिलिटी कवर हो गया। तो बस इस जो मेथड को क्या बोलते हैं, जॉइंट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जॉइंट मेथड बोलते हैं इस चैप्टर को, जहां दोनों पार्टनर्स इक्वल में रिकवर कर रहे हैं लायबिलिटीज को। ओके चलो, अब जॉइंट आप समझ गएंगे जॉइंट क्या होता है। अभी आप बोलेंगे सर आप सेवरल समझाओ कि सेवरल क्या होता है। ठीक है, अपन सेवरल भी समझेंगे। ओके चलो, हम लोग सेवरल भी समझेंगे, सेवरल क्या होता है। चलो चलो सेवरल समझते, SEVERL सेवरल। ठीक है, अब यहां पे राम थे, यहां पे श्याम थे, ठीक है, असेट्स था हमारा 1000 का, लायबिलिटी था 2000 का। ठीक है, अब देखो जॉइंट तो आप समझ गए कि इक्वल रेशियो में दोनों पार्टनर्स ने उस लायबिलिटीज को रिकवर कर दिया। अब सेवरल में क्या होता है, अब जब यहां पे 1000 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है, अब दोनों पे डिवाइड कर दिया 500 रुपए। ओके, अब श्याम क्या बोलता है, बोलता है भाई मैं तो बिक चुका हूं, मैं एकदम कंगाल हो गया हूं, मेरे पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना गोल्ड, मैं सीधा हूं, ये हूं मैं एकदम कंगाल, कुछ नहीं है मेरे पास भाई देने को, कुछ नहीं है मेरे सिवा। अब क्या होएगा बिजनेस में, अब क्या होगा बिजनेस में, आपको कितने भी कंगाल हो मगर आपको रिकवर करना ही करना है, लायबिलिटी रिकवर देना ही देना है। अब यहां पे शाम तो कंगाल हो गया, वो तो ऐसा हाथ ऊपर कर दिया, सर मैं हो गया कंगाल। अब बच्चों पूछेंगे सर अब कंगाल होगा तो कैसे भरेंगे, रिकवर कैसे होएगा? बच्चों बहुत इजी है, अब इसका जितना पूरा अमाउंट है ना, ये पूरा अमाउंट चला जाएगा श्याम राम के ऊपर 1000 डायरेक्ट, क्योंकि श्याम तो कंगाल हो गया, बट राम ये जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा, अब वो पे राम करेगा। तो इस मेथड को बोलते हैं सेवरली, जहां कोई पार्टनर एकदम कंगाल हो जाए और उसका अमाउंट दूसरे पार्टनर्स पे चढ़ जाता है। ठीक है, अब यहां पे जो हमारी कमी थी 1000 रुपए हमारा कम था, जो हमारा लायबिलिटी था वो कौन पूरा पेड करेगा, राम पे करेगा। तो इस मेथड को बोलते हैं सेवरली मेथड। ओके चलो डन, अंडरस्टैंड बच्चों, अंडरस्टैंड प्लीज, बुक और पेन निकाल के नोट डाउन करते रहना प्लीज, और आपका अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लास्ट में कमेंट करना कि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। ठीक है चलो, ये हो गया। अब क्या है रजिस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, चलो अभी आप समझ लो कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, चलो कर रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इन ऑल द और वर्ल्ड बहुत जगह रजिस्ट्रेशन करना मतलब बोलते हैं ना कंपलसरी नहीं है, बट इन अवर महाराष्ट्र
रजिस्ट्रेशन करना बहुत कंपलसरी इन द एक्ट ऑफ 1932। तो अगर पूछ रहा था आपको, इसमें भी आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कि नहीं कंपलसरी, तो कंपलसरी है सर, श्योर है आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है। आप बिजनेस कोई भी चालू करो अपने महाराष्ट्र में, आपको इन द पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज द कंपलसरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके अंडरस्टैंड। चलो ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन कवर हो गया। अब होता है डिसोल्यूशन। आप समझो डिसोल्यूशन क्या होता है, समझ लो कोई बिजनेस चल रहा है और आफ्टर ब्रेक हो जा रहा है, मतलब बंद हो जा रहा है, डिसोल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। अब डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो एग्रीमेंट रहता है एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है कि किस तरह प्रॉफिट को आपस में शेयरिंग करेंगे या किस तरह मतलब लाइबिलिटीज को कवर करेंगे, जो भी है डिसोल्यूशन में आफ्टर वो कौन दोनों पार्टनर डिसाइड करेंगे और वो अपने एग्रीमेंट में मेंशन हुआ रहता है। ओके चलो अब क्या है प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब पार्टनर्स है, अब पार्टनर्स अपने लिए एजेंट है, आपस में जैसे राम और श्याम है, राम और ये श्याम, ये आपस में एक एजेंट है, ये काम एक दूसरे के लिए कर रहे, राम श्याम के लिए काम कर रहा है और श्याम राम के लिए काम कर रहा है, ये हो गए एजेंट। और ये दोनों बाहर के लिए क्या हो गए, राम और श्याम बाहर के लिए क्या हो गए, प्रिंसिपल। अभी आप पूछेंगे सर कैसा प्रिंसिपल हो गए, अगर बिजनेस में कोई भी नुकसान होता है, कुछ भी होता है, लायबिलिटी कुछ भी आती है तो दोनों पार्टनर्स पे ही आएगी, एक पार्टनर्स पे आएगी नहीं, तो दोनों पार्टनर्स बाहर के लिए क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए। और दोनों पार्टनर इंटरनल क्या हो गए, एजेंट हो गए, एक दूसरे के लिए काम कर रहे, राम श्याम के लिए काम करेगा और श्याम राम के लिए काम करेगा। ओके समझ गए प्रिंसिपल क्या होता है, एजेंट क्या होता है। एजेंट ये होता है कि राम श्याम एक दूसरे के लिए काम कर रहे, एक एजेंट की तरह काम कर रहे, ठीक है, आपस में प्रॉफिट को गेन करने के लिए। और प्रिंसिपल अगर राम श्याम से कोई भी गलतियां होती है तो उसके लायबल दोनों होंगे, एक नहीं होगा, राम से गलतियां होती है डिसीजन लेने में तो श्याम भी उसका लायबल होगा क्योंकि दोनों पार्टनर से। ओके समझा, चल ये आप समझ गए। अब सेकंड सब हो गया प्रिंसिपल ज्वाइंट एंड ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। लास्ट ज्वाइंट एंड ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको। सपोज राम श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, अभी ये जो ए टू जेड इंटरप्राइजेस था, ए टू जेड इंटरप्राइजेस था, अब इसके अंदर जो डिसीजन लेना वो अकेला राम लेगा क्या, नहीं, अकेला श्याम लेगा क्या, नहीं, राम श्याम दोनों मिलके लेंगे, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का इनवॉइस सुन के, कम्युनिकेशन सुन के वो लोग एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं ज्वाइंट ऑनरशिप, दोनों ऑनर है, बिजनेस के लिए राम भी ऑनर है और श्याम भी ऑनर है, डिसीजन दोनों को मिलकर लेने का है, ठीक है। और जो भी मैनेजमेंट है जैसा करना है वो अकेला राम नहीं करेगा ना अकेला श्याम करेगा, ये दोनों के बोलते ना कोऑर्डिनेशन से, ये राम और श्याम दोनों मिलके अपने बिजनेस का डिसीजन लेंगे, उसको मैनेजमेंट करेंगे, उसको रनवे करेंगे, उसको एक लार्ज प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे। ओके तो इसका मतलब होता है ज्वाइंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके समझ गए आप लोग सब, चलो एक बार रिविजन कर लेते। फर्स्ट इज एग्रीमेंट, पार्टनर्स एग्रीमेंट करेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड नंबर ऑफ पर्सन 2 to 50 मैक्सिमम, ठीक है, कम से कम दो, ज्यादा से 50 लोग ये बिजनेस कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। थर्ड लॉफुल बिजनेस, कोई बिजनेस करना तो लीगल बिजनेस करना, अनलीगल बिजनेस करना नहीं है, ठीक है। फोर्थ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करना है इन द रेशियो, रेशियो रहा तो रेशियो में करेंगे नहीं तो इक्वल में करेंगे। ओके डन। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अगर बिजनेस में कोई लाइबिलिटी हो रहा है तो पर्सनल असेट बेस के उसको रिकवर करना रहेगा, परफेक्ट। चलो ये हो गया, आपको समझ गया। चलो अभी क्या है रजिस्ट्रेशन, अब कोई बिजनेस करना है तो अपने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, आपको कंपलसरी करना ही है। ओके चलो अब क्या है डिसोल्यूशन, अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो उसके क्या रेगुलेशन रहेंगे, किस तरह बंद करना है, किस तरह जाना है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस में से डिसोल्यूशन किसको करना है तो 14 डेज पहले आपको नोटिस देना है, ठीक है। अगर सपोज डिसोल्यूशन आपको करना है तो आपको 14 डेज पहले नोटिस देना है कंपनी को, इसको देने का 14 डेज, दो हफ्ता पहले आपको नोटिस देना है कंपनी को, ठीक है। चलो प्रिंसिपल्स एंड एजेंट देख लिए कि भाई दोनों पार्टीज आपस में एजेंट होते, बस बाहर वाले के लिए वो होते प्रिंसिपल होते, ठीक है। फिर आप ज्वाइंट ऑनरशिप हो गया कि साथ में बिजनेस कर रहे हो, डिसीजन कौन लेगा, उनका रेगुलेशन जो भी मेंटेन रहेगा कौन करेगा, ठीक है। तो उस
चीजों को समझने के लिए ज्वाइंट ओनरशिप जो मैनेजमेंट करेंगे, डिसीजन लेंगे, बिजनेस को रनवे करेंगे, दोनों पार्टनर्स मिलकर करेंगे, ये देख लिया आपने, सब पेज है। ओके चलो, मुझे आशा करता हूँ कि आपको फीचर्स अच्छे से समझा होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, और कुछ अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी तो मेरे इंस्टा आईडी मैंने दिया था तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलो, अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, चैप्टर पार्टनरशिप डीड क्या होता है। हाँ, पार्टनरशिप डीड क्या होता है ना, एक एग्रीमेंट होता है, एक मतलब पार्टनरशिप डीड, अब कुछ करने से पहले एक एग्रीमेंट बनाया जाता है ना, उस एग्रीमेंट को इज द कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। देखो, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम जिसमें एग्रीमेंट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है, किस तरह बिजनेस रनवे करना है, बिजनेस में क्या क्या होएगा, बिजनेस में किस तरह से चेंजेस होगा, वो सब एक मेंशन किया रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कि दिस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड, तो आप बोल सकते हैं कि सर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, अंडरस्टैंड। चल, अब भी पार्टनरशिप में कंटेंट्स होंगे, क्योंकि हम जब भी मेंशन करेंगे तो कुछ कंटेंट्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप कैसे बिजनेस को कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला कंटेंट्स है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इज मेन बिजनेस, ठीक है। अब उसमें नेम रहेगा, बिजनेस का नेम, बिजनेस का एड्रेस, और प्लस क्या रहेगा उस आपका बिजनेस किस तरह है। जैसे अभी राम श्याम का बिजनेस है, तो राम श्याम का बिजनेस का नाम क्या है, ए टू जेड एंटरप्राइजेस। वो कहां पे कर रहे हैं, समझ लो पालघर में कर रहे, तो उसका एड्रेस पालघर हो गया, ठीक है। अब उनका बिजनेस क्या था, मैंगो का था, तो उन्होंने क्या बोला, मेरा बिजनेस क्या है, मैंगो का, होलसेलर मैंगो। ओके, ये हो गया। फिर सेकंड क्या है, नेम और एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। अब यहाँ पे तो कंपनी के हो गए, अब यहाँ पे पार्टनर्स के भी एड्रेस चाहिए, क्यों बच्चों, क्योंकि आप बिजनेस का पार्टनर्स अगर भाग जाएंगे तो कैसे ढूंढेंगे हम, समझ लो राम भाग गया तो श्याम कैसे ढूंढेगा राम को, पर उसके पास एड्रेस रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, उनका नंबर रहेगा, तो इजीली वो ढूंढ लेगा। इसके लिए नेम और एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, उनका एड्रेस, उनका नाम, अपना बिजनेस का ड्यूरेशन कितना, हम कितने साल बिजनेस करने वाले, एक साल, दो साल, तीन साल, एग्रीमेंट पे वो नोट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। चल, अब क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप तो कर रहे हैं, तो अभी कोई बिजनेस हम चालू करें तो अकेला राम तो पैसा नहीं लगाएगा ना भाई, श्याम भी पैसा लगाएगा, तो राम कितना पैसा लगाता है, श्याम कितना पैसा लगाता है, ये भी देखा जाएगा। और उसमें मेंशन किया जाएगा कि राम ने भाई 70,000 दिए और श्याम ने कितने दिए, 30,000 दिए, कितने हो गए, 1,00,000 हो गए, 1,00,000 का बिजनेस चालू हुआ, ठीक है। तो वो चीज वहां पे मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब रेशियो इज विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड। अब सब जो मैक्सिमम कंपनी चल रही है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप किस तरह उसको कंट्रीब्यूट करते हो, किस तरह आपस में डिवाइडेशन करते हो। अगर समझ लो आपने पहले ही रेशियो फिक्स कर दिया है कि चलो मैं शाम तू 2 रेशियो लेगा, मैं 7 रेशियो लूंगा आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो ठीक है आप रेशियो भी कर सकते हो। बट अगर रेशियो आपको नहीं दिया, आपने रेशियो मेंशन नहीं किया है, देन आप इक्वल करोगे। अगर समझ लो प्रॉफिट आपको हो रहा है 1,000, तो आप कितना करेंगे, इक्वल अपॉन बाय 2, मतलब 500 रुपए दोनों पार्टनर्स लेंगे, इक्वल में करेंगे। अगर आपका रेशो दिया तो रेशो पे करो, अगर नहीं दिया तो देना आप इक्वल पे करना ही इज द कंपलसरी। ओके चलो, ये हो गया। अब राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। अब सबसे बड़ा ड्यूटी क्या है उनका, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। जैसे मैंने बताया था, अगर कुछ भी लायबिलिटी होती है तो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपना पर्सनल असेट्स, पर्सनल लायबिलिटी को पेड करने के लिए घर से लेके गाड़ी से लेके गोल्ड तक बेचना पड़ जाएगा, ठीक है, इज द डिसएडवांटेज। ओके चलो, अब क्या दिया है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टनर। अब उसके अंदर कुछ प्रोविजन होंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, किस तरह करना है, तो ठीक है। तो उसमें कैसा है, अभी समझ लो बिजनेस चल रहा है, राम श्याम चल रहा है, अब दूसरा आता है सूरज, अब सूरज बोलता है राम श्याम मेरे को भी अपने बिजनेस में ले लो, लेना है बिजनेस में नहीं लेना है ये राम श्याम डिसाइड करेंगे। तो वो जो कंटेंट रहता है, जो हम एग्रीमेंट बनाते हैं उसके अंदर मेंशन करते हैं कि अगर थर्ड पार्टनर्स आ रहा है तो हमें उससे किस लेवल पे लेना है। अब ऐसे ले लेंगे, आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ, नहीं, हम एक अमाउंट फिक्स करेंगे कि चलो भाई कभी फ्यूचर में थर्ड पार्टनर्स आएगा, हमें उसे लेना है, तो हम ये अमाउंट उसके ऊपर चार्ज करेंगे। अब सूरज आ रहा है तो राम श्याम क्या बोलेंगे, सूरज भाई आप अपने बिजनेस में आ रहे हो
तो आ जाओ, बट हमारे बिजनेस में आने के लिए आपको 20,000 पे करना पड़ेगा, ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बराबर। तो एग्रीमेंट को सूरज पड़ेगा, हाँ भाई मेंशन किया हुआ है तो उसको देना पड़ेगा। तो सूरज 2,000 रुपए देके वो बिजनेस में एडमिट हो जाएगा। ओके समझो, तीन हो गए। अब राम को इन द फ्यूचर रिटायरमेंट करना है, अब रिटायरमेंट करना बोल रहा है मुझे बिजनेस छोड़ना है। अब बिजनेस छोड़ना है तो कुछ देना पड़ेगा ना आपको, तो क्या देना पड़ेगा, कैसा क्या करना है, वो अपने बिजनेस में मेंशन करना जरूरी है कि आगे जाके डिस्प्यूट ना हो, पार्टनर्स में झगड़ा ना हो। अगर आपने पहले से अगर प्लान बना लिया होगा और वो प्लान से अगर आप बिजनेस रन करेंगे तो कभी आपका बिजनेस फ्लो नहीं होगा, उल्टा ग्रो होगा। इसके लिए ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको आपको एग्रीमेंट में लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसमें एग्रीमेंट में लिख लेते हैं कि अगर कोई पार्टनर्स एडमिट कर रहा है तो क्या चार्ज करना है, रिटायरमेंट कर रहा है तो क्या देना है, डेथ कर रहा है तो क्या शेयरिंग देना है, इस ऑल थिंग आर द मेंशन इन द एग्रीमेंट। ओके अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स लोन्स ड्रॉइंग एक्सेट्रा। अब इसके अंदर मेंशन करना भी जरूरी है कि अगर मैं बिजनेस से कुछ ड्रॉइंग्स कर रहा हूं, कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसे ले रहा हूं। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, पर्सनल यूज, कि जो बिजनेस का पैसा मैं अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा हूं, घूमने के लिए ले रहा हूं, ट्रैवलिंग के लिए ले रहा हूं, अपने पर्सनल के लिए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब मैं कुछ बिजनेस से पैसा ले रहा हूं तो मुझे बिजनेस को क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा एज द ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो वो सब मेंशन करना रहता है। समझो राम ने 50,000 रुपए बिजनेस से निकाला तो राम को हम करेंगे 5% और श्याम ने निकाला उसको करेंगे 10%, ये सही है क्या? नहीं सही है ना। तो इसके लिए पहले वो मेंशन कर देते हैं कि भाई चाहे राम ले ले, चाहे श्याम ले ले, चाहे सूरज ले ले, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% चार्ज करेंगे, ठीक है। और ड्रॉइंग्स कभी भी चार्ज करो तो ड्यूरेशन होता है, अगर ड्यूरेशन दिया है तो हम ड्यूरेशन पे चार्ज करेंगे, अगर ड्यूरेशन नहीं दिया है ना बच्चों तो आपको 6% 6 मंथ पे चार्ज करना रहता है, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ पे ही चार्ज करना, अगर आपको सम में दिया हुआ है कि ड्राइंग 3 मंथ्स का है तो हम 3 मंथ्स पे इंटरेस्ट निकालेंगे, बट नहीं दिया है तो हमको 6 मंथ ही लेना है। ये आपको हमेशा लाइफ में डाल लो, अपने मन में डाल लो, आगे जाके आपको ये आने वाला है, आगे जाके हम इससे अच्छा सीखेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। हाँ अभी 8 सैलरीज कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू एनी पार्टनर्स। अब आपने अगर पहले से मेंशन कर लिया है कि हमको पार्टनर्स को क्या सैलरीज देना है, अगर पार्टनर्स बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है तो क्या कमीशन देना है, ये सब आपको पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। सपोज अभी राम ने बहुत मेहनत कर दिया, बहुत ज्यादा बाहर से कस्टमर ला रहा है, मैंगोस को आउट ऑफ कंट्री सेल कर रहा है, कुछ बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग कर रहा है, निकल रहा है गुड्स को फटाफट मार्केट में लॉन्च कर रहा है। अब राम ज्यादा कर रहे तो शाम का क्या फर्क बनता है, भाई राम तूने अच्छी सेलिंग की, चल भाई तू थोड़ा कमीशन ले ले। तो वो सब पहले आपको मेंशन करना लगा कि अगर कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है तो उन्हें हम क्या कमीशन देंगे, क्या चार्जेस देंगे, इस ऑल दैट, ठीक है। तो आप सबको मेंशन करना ही है। ओके चलो, अब क्या दिया है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर बिजनेस जब भी बंद होता है तो आप किस तरह सेटलमेंट करते हो, किस तरह लायबिलिटी को पेड करते हो, किस तरह असेट्स को देखते हो, असेट्स को डिवाइडेशन करते हो, ये सब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपको पहले से एग्रीमेंट में बताना है कि अगर एट द टाइम कभी बिजनेस बंद कर दिया हमने तो कैसे लायबिलिटी को पेड करेंगे, कौन कितने रेशियो से लायबिलिटी को पेड करेगा, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना इज द यूजफुल। ओके चलो, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। अगर सपोज बिजनेस सब राम श्याम सूरज तीन हो गए थे एडमिशन करके, अब राम श्याम सूरज का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब राम और श्याम, राम बहुत मेहनत कर रहा था, श्याम मेहनत नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे शाम क्या, राम क्या बोलेगा, अरे यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, शाम मेहनत नहीं कर रहा है। अब राम और शाम में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मारामारी भी हो गया। अब राम क्या बोलेगा, राम चले जा रहे, शाम तो कुछ किया भी नहीं, झगड़ा भी हो गया, अब शाम कंपनी से शाम को निकालना है, ठीक है। अब शाम कंपनी छोड़ने वाला है। अब जब इस टाइम पे डिस्प्यूट होता है, कुछ झगड़ा होता है, तो किस तरह वो बिजनेस से किस क्या अमाउंट लेके बिजनेस छोड़ेगा। कुछ कुछ बिजनेस में होता है फिक्स अमाउंट कि भाई बिजनेस कभी भी झगड़ा करके अगर आप छोड़ रहे तो आपको इतना अमाउंट दे देंगे, आप बिजनेस छोड़ दो, या कोई रेशियो पे होता है जितना असेट्स रहेगा वो रेशियो पे आपको हम डिवाइड दे देंगे, आप बिजनेस को छोड़ दो, ठीक है। तो हर बिजनेस का अलग अलग रूल्स रेगुलेशन रहता है, तो आपको वो पहले यहाँ पे मेंशन करना है अपने एग्रीमेंट में कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसीलिए जब भी बिजनेस में पार्टनर्स का डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो किस बेसिस पे उनको हम निकाल सकते हैं, क्या देके उनको हटा सकते हैं। ओके अंडरस्टैंड। लास्ट वन है,
एनी अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में कुछ अलग मैटर हो गया, सपोज बता रहा हूं मैं आपको, वो फ्लड आ गया, अब फ्लड में बिजनेस हो गया, डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया वो तो पार्टनर से गलती से नहीं हुआ, वो तो क्लाइमेट की गलती से हुआ कि भाई फ्लड्स आ गया, अब बिजनेस हो गया तो क्या करना है। तो वो भी आपको एग्रीमेंट पे मेंशन करना कि इन द लाइफ इन द फ्यूचर अगर बिजनेस पे कुछ भी डैमेज हो रहा है बाहर से, जैसे कि अर्थक्वेक, नेशनल क्लाइमेट से, तो उसका रिकवर किस तरह करने वाले हैं। ओके अंडरस्टैंड, ओके सब श्योर। लास्ट आता है प्रोविजन ऑफ द इंडियन एक्ट 1932। अब हमारा इंडियन एक्ट 1932 क्या बोलता है कि आप बिजनेस जब भी चालू करते तो उसका कुछ प्रोविजन होगा, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, जिससे आपको जो अगर आपने मेंशन नहीं किया, अगर आपने एग्रीमेंट पे ये सब मेंशन किया है तो इज दैट ठीक है, अगर एग्रीमेंट पे आपने मेंशन नहीं किया, आपने भूल गए वो चीजों को, अगर एग्रीमेंट पे आपने ये 5-6 जो है मेंशन नहीं किया तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। ये क्या बोलता है हमारा इंडियन एक्ट 1932 बोलता है, ये प्रोविजन आपको बिजनेस में मानना ही पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म में ये बिजनेस को आपको अलाउ करना ही पड़ेगा। ओके समझो, डिसलोशन ऑफ प्रॉफिट्स, आप जो भी प्रॉफिट को कैसे डिसलोशन करेंगे, जब भी बिजनेस बंद हो जाता है, जब भी बिजनेस डिसलोशन हो जाता है तो जो उसके प्रॉफिट्स रहेंगे वो आप कैसे शेयरिंग करेंगे, ठीक है। अगर रेशियो दिया जाएगा तो रेशियो में कर सकते हैं, नहीं तो आप इक्वल में करने में करेंगे। ओके अब क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई बिजनेस में कोई भी पार्टनर्स पैसे को निकाल रहा है फॉर द पर्सनल यूज, देन आप उसके ऊपर कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। अब भी जब भी ड्रॉइंग करता है, अगर इसका मंथ अगर दिया है आपको तो आप उसके मंथ पे चार्ज कर सकते हैं, अगर आपको मंथ नहीं दिया है तो आपका ऑलमोस्ट 6 मंथ पे चार्ज करना है। अगर ड्यूरेशन दिया है तो उस पर चार्ज करो, ड्यूरेशन नहीं दिया तो आपको 6 मंथ पे ड्रॉइंग को चार्ज करना है। ओके चलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर्स ने किसी को लोन दिया है, आउटसाइड द लोन दिया है, तो पार्टनर्स कितना चार्ज करेगा वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर मेंशन नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, अगर लोन्स का पहले मेंशन किया तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं किया तो एटलीस्ट आपको 6% लेना है। अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया कि नहीं हमको 10% लेना है तो आप 10% लेंगे, अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया है तो आपको 6% लेना है। ओके चलो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल पे इंटरेस्ट, अब बिजनेस जब चालू किया तो राम ने कुछ कैपिटल दिया, कुछ कैपिटल श्याम ने दिया, ठीक है। अब राम श्याम ने जब कैपिटल दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, समझ रहे हो, इंटरेस्ट कैसा होता है, अगर आपने मेंशन किया तो आप ले सकते हैं, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। मेंशन किया तो ही मिलेगा, अगर मेंशन नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा। ओके चलो, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स, अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि क्या सैलरी पार्टनर्स को देना है, क्या कमीशन पार्टनर्स को देना है, तो आप ले सकते हो, बट अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आपको मिलेगा क्या वो चीजें, नहीं मिलेगी, ठीक है, नो। ओके अब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, ठीक है, अगर आपने पहले से एग्रीमेंट में लिख दिया है कि हमें किस तरह न्यू पार्टनर का एडमिशन करना है, न्यू पार्टनर्स को अपने बिजनेस में लाना है, तो आप ले सकते हो, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप नहीं ले सकते हो, पार्टनर्स को भी एडमिट नहीं कर सकते हो, समझा। तो एक्चुअली प्रोविजन यही होता है कि अगर आप कभी आपका बिजनेस बंद हो गया, अगर आपको प्रॉफिट से लॉस हो रहा है तो आप किस रेशियो में उसको शेयरिंग करते हो आपस के पार्टनर्स में। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग में कितना इंटरेस्ट लेते हो, कितने मंथ्स के लिए लेते हो, ड्यूरेशन क्या है, अगर ड्यूरेशन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ऑलमोस्ट 6 मंथ तो हमको लेना ही लेना है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर्स ने इंटरेस्ट दिया है तो फिर आप क्या चार्जेस कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इज दैट ऑल मेंशन इन द एग्रीमेंट। ओके फिर क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी कैपिटल है, कैपिटल ने अगर आपने मेंशन किया कि भाई इंटरेस्ट देना है तो देना है, और नहीं अगर मेंशन किया तो आपको नहीं मिलेगा, ये क्या बोलता है, ये हमारा प्रोविजन बोलता है, ये हमारा एक्ट बोलता है, ठीक है। सैलरी और कमीशन पार्टनर्स, अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया कि क्या सैलरी तो क्या कमीशन अपने पार्टनर्स को देना है तो आप ही ले सकते, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो हमारा एक्ट क्या बोलता है, आपको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन किया है कि भाई किस तरह को पार्टनर्स को एडमिशन करना है तो आप एडमिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारा एक्ट क्या बोलता है, आप एडमिशन पार्टनर्स का नहीं कर सकते, कौन बोलता है, ये हमारा एक्ट बोलता है, 1932 का एक्ट जो हमारा है महाराष्ट्र का है वो बोलता है, ठीक है। ये हो गया, अभी मैं आपको बताता हूँ, अब भी सपोज सबसे बड़ी बात, टाइप्स ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस के टाइप्स देख लो,
टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के बहुत से टाइप्स होते हैं, पता होगा आपको, जैसे कि होगा सो प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, सेकेंड हो गया पार्टनरशिप फर्म, थर्ड हो गया आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, एंड आपका फोर हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, फिर हो गया आपका कंपनीज, एंड सेकेंड हो गया अदर्स। ठीक है सर, बोलेंगे क्या होता है सो प्रोप्राइटर, सब सीखे होंगे कि जहां पे सिंगल ऑनर आके अपना बिजनेस सेटअप करता है उसको बोलते हैं सो प्रोप्राइटरशिप, इज द वन सिंगल ऑनर ऑफ द कंपनी। वो ऑनर खुद का डिसीजन खुद लेगा, खुद का मनी लगाएगा, खुद को बिजनेस को रनवे करेंगे, वो ऐसा ऑनर है जो ऑनर खुद बिजनेस को रनवे करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा खुद ही लेंगे, कहीं पे शेयरिंग करेंगे नहीं, उसको बोलते हैं सो प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड होता है पार्टनरशिप, जो हमने पढ़ा, जहां दो से ज्यादा लोग आके एक बिजनेस को सेटअप करते हैं और प्रॉफिट को अपने शेयरिंग में बांटते, डिसीजन मिलके लेते हैं, इज द ऑल दैट थिंग इज द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जहां सब लोग दो से ज्यादा पार्टनर आके मिलके काम को करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं। ओके चलो, अब ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, एक ही बिजनेस जो पूरी फैमिली मिलके करती है, मम्मी डैडी पापा बहन जब मिलके करते हैं एक ही बिजनेस को, उसको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली। और इनका मेन जो होता है वो होता है कर्ता, जो भी इनका डिसीजन लेने वाला कौन होता है, मेन पर्सन इज द कर्ता, बाकी सब मिलके एक बिजनेस सेटअप करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके चलो, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, जो नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव, मतलब जो हमारे सोसाइटी में होता है, कोऑपरेटिव में होता है, जो एग्रीकल्चर वगैरह को लोन देता है, जो हमारे कोऑपरेटिव जैसे डॉक्टर्स हो गए, ये वगैरह वगैरह जो भी सिस्टम है उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब कंपनीज देख लो, कंपनीज क्या होता है, ऐसी कंपनीज जहां सभी लोग बहुत ज्यादा लोग आके एक बिजनेस में अपना पैसा लगा के एक बिजनेस सेटअप करते हैं और उसको कंपनीज क्या देती है, इश्यू देती है, शेयर्स देती है, डिबेंचर देती है, बॉन्ड्स देती है, ये कंपनी उनको प्रोवाइड करती है, उसको बोलते हैं कंपनी। और कंपनी से भी दो होते हैं, एक होते हैं प्राइवेट और एक होते हैं पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों में कंपनीज में शेयर डिवेंचर बॉन्ड इश्यू हुआ जाता है। ओके, अब सेकंड क्या है, अदर्स। अब अदर्स में क्या आएगा, जैसे कि लोकल बॉडीज आ गया, जैसे आपके एरिया के नगर ग्राम पंचायत नगर पालिका वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आ गया आपका अदर्स में। एंड सेवन एक होते, एक आता है हमारे क्या, नॉन प्रॉफिट कंसर्न, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये हम बीके के सेकंड चैप्टर में देखेंगे, मैं इसको आज छोटा सा एग्जाम्पल का एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जहां से उनको प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, एक ऐसा बिजनेस जिसको प्रॉफिट का मोटिव नहीं है, उनको सोशल वर्किंग करना है, उनको लोगों को सेवा करना है, उनका मेन एम होता है कि लोगों को फायदा हो जाए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए बगैर दूसरे का फायदा हो। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ट्रस्ट सुना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, हम जाते हैं वहां प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा बहुत कम पैसे में हो जाता है, तो उसका आगे तो पैसा कौन पेड करता है, वो ट्रस्ट पेड करता है। ठीक है, ये आप समझ गए थे। अब सेकंड बता दूं मैं आपको, ट्रस्ट हो गया, एक समझ लो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एकदम इजी वाला, जैसे कि मस्जिद। अब मस्जिद में कितने बच्चे पढ़ते हैं ना मदरसा में, तो उनका पैसा लगता है क्या, नहीं लगता है, वो ट्रस्ट चलाती है, उनका जो भी खाना पीना रहना वो कौन देता है, वो ट्रस्ट देता है मस्जिद के, कि बाकी के बच्चे पढ़ सके। ठीक है, और वो हमारे यहाँ पे मंदिर होते टेम्पल्स, पता है टेम्पल्स, अभी ऐसे बहुत टेम्पल्स है हमारे इंडिया में जहां पे बच्चे जाके पढ़ते हैं, वहां बैठते हैं, वहां का एनवायरमेंट सीखते हैं, उनका रहना उनका खाना ऑलमोस्ट सब फ्री होता है, वो कौन देता है, वो ट्रस्ट देता है। तो ऐसा बिजनेस जहां प्रॉफिट मोटिव नहीं है, लोगों का इंक्रीमेंट प्रॉफिट है, लोगों का भला हो, लोगों का अच्छा हो, वो बिजनेस को वो चाहिए। ठीक है, ये सब बिजनेस में होता है। ठीक है, आपने, मैं होप करूंगा कि आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी समझाया, आपको समझा होगा। अगर प्लीज कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए,
हम लोग से रिकवर करेंगे। और प्लीज अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में बोलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा और जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको बाय हार्ट अंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा, तो ठीक है आपको बहुत अच्छा आई होप। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।